हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, महाशिवरात्रि का पर्व चल रहा है और मैं अपनी बेटी को लेके यहाँ आई हूँ भोले बाबा के दरबार में दर्शन करने के लिए। पहले तो लगा कि बहुत भीड़ होगी, नहीं जाऊँगी, लेकिन बारात के दिन तो नहीं आ पाई। लेकिन ये बारात का दूसरा दिन, जैसे हम लोग के यहाँ भोज होता है, वैसे हमारे रायबरेली में नगर भोज होता है। तो इस दिन देखिए कितना ही बढ़िया सजा हुआ है। बारात तो इतनी धुआंधार निकली थी कि सब बता रहे हैं बहुत अच्छा, तो मैं तो नहीं आई। और देख सकते हैं आप, दूर से मैं ही आपको एंट्री के बाद ये पंडाल का दिखा रही हूँ। ये किसी राजा महाराजा का था और इस पंडाल से ही आप दूर से देख लीजिए कितनी लोगों की इधर भीड़ लगी हुई है, लाइन लगी हुई है नाश्ते की, यानी प्रसाद की लगी हुई है। और प्रसाद किस तरह से ये लोग ले रहे हैं, भीड़ का कोई अंदाज़ा ही नहीं। ये मैं मंदिर के अंदर एंट्री कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं भोले बाबा का मंदिर भव्य रूप से सजा हुआ है। इतना ही मनमोहक इनका, इतना बढ़िया मनमोहक इनका दृश्य है कि देखते ही मन मेरा होले होले हो गया। और ये देखिए यहाँ भांगड़ा चल रहा है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया भांगड़ा इनका चल रहा है। सुन के मेरा तो मन हुआ कि मैं यहाँ खूब डांस कर लूँ, लेकिन नहीं कर पाई। और इतना बढ़िया, ये कहीं बाहर से आए हुए हैं और अगले साल अनाउंसमेंट हुआ है कि 50 बार बाजे रहेंगे ये भांगड़ा। मतलब बहुत ही जैसे लग रहा था कहीं बाहर से आया हो। और ज़रा आप एक तरफ इस नज़ारे को देखिए, जैसे लग रहा मुझे तो लग रहा मैं स्वर्ग पे आ गई हूँ। इतना बढ़िया रात में लाइटिंग और इतनी अच्छी व्यवस्था थी, इतनी भीड़ को कंट्रोल कर पाना बहुत ही बड़ी बात होती है। लोग प्रसाद पा रहे थे लेकिन भीड़ का अंदाज़ा ही नहीं लग रहा था, इतनी अच्छी व्यवस्था थी। और सब गरम गरम प्रसाद दी, पूड़ी सब्जी खीर बहुत अच्छा। और देख रहे हैं आप मंदिर का भव्य दरबार क्या बढ़िया सजा हुआ है। और सच में इंसान की शादी तो लोग देखते हैं, पर एक बार भगवान की शादी देखिए। जैसे मुझे फील हो रहा था कि वाकई में भोले बाबा सजे हुए हैं और इनकी शादी हो रही है। और देख लीजिए आप भीड़ का नज़ारा तो देखिए कैसा है। और चांदनी रात तारों की बारात, ये गाना बहुत सूट करेगा, चांदनी रात। ये देख रही हैं आप कितना बढ़िया लग रहा है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा कि भोले बाबा का दरबार आपको कैसा लगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, अभी भांगड़ा में आपको सुनवाती हूँ कितना बढ़िया था। और ये देखिए जहाँ प्रसाद वितरण हो रहा था, भोलेनाथ का एक और भव्य की फ़ोटो रखी हुई, मतलब सॉरी मूर्ति रखी हुई है, आप देखिए। और ये देखिए पेड़ का कितना बढ़िया यहाँ डेकोरेशन हुआ, ये रियल का पेड़ है नीम का। और आप देख सकते हो, ये देखिए प्रसाद की लाइन लगी हुई है। और यहाँ मैं हूँ रायबरेली में नगर भोज में। जब मैं मंदिर से बाहर निकली तो मैंने देखा रोड पे जो सुपरमार्केट वगैरह है, वहाँ पे जगह जगह पे स्टॉल लगे हुए थे। चाहे आप चाट फुल्की खाइए, चाहे आप नमकीन खाइए, बिस्किट खाइए, चाय का मिठाई खाइए और आइसक्रीम खाइए, मतलब हर एक चीज़ के स्टॉल लगे थे। और बेहद मात्रा में लोग प्रसाद वितरण कर रहे थे और सब ले रहे थे। जैसे पूरे गाँव में इतना उत्साह हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा था कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं पहली बार गई, मैं कभी जाती नहीं थी, लेकिन इस बार गई तो मुझे लगा कि आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। और वाकई में इंसान का तो बहुभोज मैंने देखा था, लेकिन मैंने भोले बाबा और माता पार्वती का बहुभोज देखा। पूरे नगर में इतना उत्साह के साथ मनाया जा रहा था और मैं इनके उत्साह का क्या बयान कर पाऊँगी। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और यहीं से अब मैं एंड करना चाहूँगी। जय भोलेनाथ।